तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले क्वेश्चन को देखो बेसिकली इसमें क्या कहता है कि ये अगर तुम देखोगे कि व्हाट इज द मिनिमम वर्क हैज़ टू बी डन फॉर ए स्पेस सीप देखो हमारे पास एक स्पेस सीप है उस स्पेस सीप को ये जो स्पेस सीप है हमारे पास इस स्पेस सीप को मुझे कहाँ ले जाना है तो इस स्पेस को मुझे अर्थ के सरफेस से बाई मून के सरफेस पे ले जाना है यार ठीक है कुछ लोग जो इच्छा रखते हैं अर्थ के सरफेस पे मून पे जाने का तो उनकी इच्छा हमें पूरा करना भाई बात आ गई समझ में तो इस स्पेसशिप का मास दिया हुआ है प्यारे बच्चों तो ये कहते हैं कि जो ले जाएगा अर्थ के सरफेस से मून के सरफेस पे लैंड कराएगा तो उसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा मिनिमम मिनिमम वर्क डन समझ रहे मैक्सिमम की तो कोई बात नहीं बहुत भाई पगला गए तो बात ही अलग है पागलपन का एक अलग मैटर है उसका इलाज तो भाई आगरा में है तो चलो तो पॉइंट ए से पॉइंट यहाँ पर बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट होगा उसको मैं पी बोल देता हूँ इस न्यूट्रल पॉइंट पर जो नेट फील्ड है वो ज़ीरो होगा नेट फोर्स ज़ीरो होगा जब फील्ड और फोर्स ही जीरो है मेरे भाई तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो होगा और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगा ठीक है और अगर यहाँ तक पहुँचा दिए इस पॉइंट पर इस्पेसिप को पहुँचा दिए तो इस ये पॉइंट बहुत दूर है यार समझ रहे ना ये पॉइंट बहुत दूर है और ये जो रेडियस ऑफ द ये जो पॉइंट पी है दैट इज़ पॉइंट पी तो रेडियस ऑफ द पॉइंट पी इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द अर्थ तो कोई पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इंट्रेक्शन नहीं हो रहा तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है और ये जो पॉइंट है द पॉइंट पी इज आल्सो वेरी वेरी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द पॉइंट पी दिस इज पॉइंट पी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द मून मून से भी बहुत दूर है तो कुल मिला के इस पॉइंट पर कोई भी इंट्रैक्शन नहीं हो रहा और ये पॉइंट इस ग्राफ में यहाँ पे दिखाया गया है और जो ए पॉइंट है वो सरफेस है बी पॉइंट मून का सरफेस है दिस इज द बी पॉइंट दिस इज द्वाइंट पी दिस इज द पॉइंट एम यहाँ पर तो अगर हम बात करेंगे कि वर्क डन मिनिमम कितना होगा तो बेसिकली देखो वर्क डन अगर तुम देखोगे तो वर्क डन विचक होता वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट की अगर बात करोगे तो एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क डन करता है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी मतलब ए टू बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और ये जो चेंज इन वर्क डन है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम ए टू पी ए टू डायरेक्ट बी तक नहीं ए से पी तक ले जाओ क्योंकि वेरिएबल है प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन फ्रॉम पी टू बी बात आ गई समझ में तो सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ प्यारे बच्चों तो जो वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी चेंज इन पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल ठीक है पहले वाले पार्ट का फ्रॉम ए से पी तक प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल मून पे लैंड कर गया जो वो वाला माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल और ये जो है डन वो पी से बी तक है ठीक है तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब पी पर है, और जीरो आ गया माइनस 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 प्लस आ जाएगा अर्थ के सरफेस पे थे भाई ये अर्थ के सरफेस पे तो माइनस माइनस प्लस जी मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द पार्टिकल रेडियस ऑफ द अर्थ ठीक है और यह आ जाएगा ए से बी पी तक प्लस फाइनल अगर यहाँ पर देखोगे फाइनल फाइनल कहाँ चलेगा भाई मून के सरफेस पे तो मून के सरफेस पे तुम देखोगे तो जी एम मास ऑफ़ द मून मास ऑफ द पार्टिकल ओवर रेडियस ऑफ द मून और माइनस ये ज़ीरो आ जाएगा ठीक है तो फाइनली यहाँ तुम बात करोगे मून के सरफेस पे और यहाँ ये यह सारी बात करोगे तो इनिशियली पी पॉइंट पे जीरो था तो यहाँ से तुम देखोगे तो जी मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ और यहाँ से प्लस इज इक्वल टू जी मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द मून यहाँ से गड़बड़ हो गया भाई मास ऑफ द मून और मास ऑफ द पार्टिकल और रेडियस ऑफ द मून तो जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो तो यहाँ से जी मास ऑफ द पार्टिकल कॉमन हो गया मास ऑफ द अर्थ रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस मास ऑफ द मून और रेडियस ऑफ द मून तो ये दिस इज द द अमाउंट ऑफ़ वर्क डन तो ये ये जो है दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन अब एक काम करना है तुम्हें इसमें क्या करना है ये अमाउंट ऑफ वर्क डन है इसमें सारी वैल्यू रख दोगे तो जो वर्क डन आ जाएगा पुट ऑल द वैल्यू वन पॉइंट थ्री इंटू टेन की पावर एट जूल किलो जूल दिस इज द फाइनल सोल्यूशन आई होप की आपको समझ में आ गया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय बाय टेक केयर थैंक यू